दोस्तों, विदेशों में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जिनके बारे में आप बार बार सुनते होंगे। ज़्यादातर लोग उन्हीं जगहों पर जाना पसंद करते हैं जिन शहरों के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जिसे एडवेंचर्स और कसिनोज का शहर कहा जाता है। यहाँ इतने कसिनो हैं जितने लोगों के घर भी नहीं हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ के लोग आपको पूरी रात जुआ खेलते दिख जाएंगे, क्योंकि जुआ खेलना इस शहर में पूरी तरह से कानूनी है। यहाँ का कल्चर इस शहर की पहचान है, जबकि इस शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जिन्हें पूरी दुनिया में सबसे सुनसान सड़कों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका के एक ऐसे ही स्टेट नेवादा के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने जा रहे हैं। बस बने रहें आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, लास वेगास की तरह ये शहर भी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। इस जगह का नाम है नेवादा। ये राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का 7वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के लिहाज से 34वां सबसे बड़ा राज्य है। नेवादा का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ। ये जगह हर तरह से खास है। यहाँ आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकती है। तभी तो अमेरिका के इस राज्य में हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। 1847 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेवादा राज्य पर कब्जा किया था। उससे पहले नेवादा पर मेक्सिको और स्पेन का राज था और ये राज्य पूरी तरह से इन दोनों देशों के कंट्रोल में था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च 1931 से नेवादा में जुआ कानूनी रूप से मान्य है। यहाँ देर रात तक आप कितना भी जुआ खेले आपको कोई नहीं कहेगा। नेवादा में इतनी खाने की दुकानें नहीं है और ना ही इतने घर जितने की कसिनो है। जब भी किसी जुए की जगह का नाम लिया जाता है तो उसमें नेवादा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। नेवादा की राजधानी है कार्सन सिटी। इस शहर की जनसंख्या लगभग 55,000 है। कार्सन सिटी नेवादा की सबसे पॉपुलर जगहों में से एक है। कई बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्में इस शहर में शूट की जा चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 अहम जेल हैं, जिन्हें नेवादा की सबसे मेन जगहों में से एक मानी जाती है। एक और सबसे चर्चित शहर लास वेगास नेवादा में ही है। नेवादा एक चीज के लिए बहुत जाना जाता है और ये है यहाँ की विशालकाय और बेहतरीन सुनसान सड़कें। ये सड़कें इतनी सुनसान है कि रात के समय में कोई यहाँ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ एक नहीं बल्कि इस तरह की 6 सड़कें हैं। ये रास्ते शोर से दूर शांत और बहुत खूबसूरत हैं। जहाँ नेवादा में सबसे ज्यादा जुआ खेला जाता है, वहीं एक तरफ इस राज्य के बोल्डर सिटी में जुआ खेलने पर पूरी तरह से पाबंदी है। दुनिया में सोने को लेकर लोगों में जबरदस्त दीवानगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान नेवादा में ही है। यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में सोने का उत्पादन किया जाता है। इस खदान का नाम नेवादा गोल्ड माइन है। इस खदान से हर साल लाखों किलो सोने का उत्पादन किया जाता है, जिसे दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। नेवादा में सालाना 115 टन सोने का उत्पादन होता है, जो कि लगभग 600 करोड़ रुपए के बराबर होता है। नेवादा को कुछ लोग रहस्य से भरी जगह भी मानते हैं। नेवादा राज्य के आसपास काफी कुछ ऐसा है जो आज भी लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। उन्हीं रहस्यों में से एक है डेथ वैली नेशनल पार्क में चलने वाले पत्थर, और यहाँ का तापमान काफी ज्यादा होता है। अलग अलग देशों में कई अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें लोग दुनिया भर में खाना पसंद करते हैं। ऐसे ही जब अमेरिकन फूड की बात हो तो उसे हर तरह से अलग माना जाता है। अमेरिकन फूड में बहुत वैरायटीज देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका में लोग बर्गर्स, फ्राइड चिकन, हॉट डॉग और पैनकेक्स खाना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, नेवाडा में भी आप इन चॉइसेस का आनंद ले सकते हैं। अगर आप फास्ट फूड लवर हैं तो आपको यहाँ पर कई तरह के फास्ट फूड बर्गर टेस्ट करने को मिल जाएंगे। नेवादा को एक सूखी यानी ड्राई जगह माना जाता है और पूरे अमेरिका में नेवादा सबसे सूखा राज्य है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ही आपको यहाँ बारिश देखने को मिल सकती है। नेवादा का कल्चर हर तरह से अनोखा माना जाता है। कहा जाता है यहाँ आने वाला कोई भी टूरिस्ट कभी बोर नहीं हो सकता, क्योंकि नेवादा में कल्चर से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जो बेहद आकर्षणीय हैं। नेवादा में अलग अलग जगहों से लोग बसना चाहते हैं। इसका मेन कारण ये है कि नेवादा में कोई भी टैक्स नहीं लगता। दोस्तों, हर राज्य में कुछ ना कुछ ऐसे कानून होते हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। नेवादा में भी कुछ ऐसा ही है। नेवादा अगर किसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सख्त है तो वो है यहाँ के ट्रैफिक रूल्स। नेवादा में कोई भी भूलकर भी ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ता। अगर आप भी इस राज्य में घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो इसका ध्यान जरूर रखें। यहाँ के यूरेका टाउन में अगर आपकी मूछें हैं
तो आपको किसी महिला को किस करने की अनुमति नहीं है। इसे नेवादा का सबसे अजीब कानून कहा जाता है। इसके अलावा नेवादा के लास वेगास में एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत आप यहां कबूतरों को दाना नहीं खिला सकते। ऐसा करने पर आपको 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा नेवादा का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।